आज हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक रिटन बाय प्रोफेसर एचसी वर्मा के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज की कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे एक टेबल गिवन है. हियर इज अ कार मॉडल, राइट. ए एंड बी. ए का डिसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग इज 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाइल दैट ऑफ बी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ए को ड्राइवर एक्स चलाता है जिसका रिएक्शन टाइम है 0.20 सेकंड्स. अब ये स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर से चलाता है. ब्रेकिंग डिस्टेंस बाद में अगर इन्होंने ब्रेक लगाया तो ए इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज बी, राइट. तो ए एंड बी की हमें वैल्यू बतानी है. फिर अगर यही ड्राइवर एक्स बी को चलाता है, राइट. नहीं, उसके बाद क्या होता है कि ड्राइवर वाई ए को चलाता है जिसका रिएक्शन टाइम है 0.30 सेकंड्स, 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाता है. ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली. हमें उनकी वैल्यूज बतानी है. एंड सेम थिंग इज गोइंग ऑन विथ ड्राइवर एक्स अगेन, हु इज जस्ट मूविंग विथ कार बी विद द सेम स्पीड. ब्रेकिंग डिस्टेंस ई एंड एफ. उसके बाद ड्राइवर वाई बी को चलाते विद डिसेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसका रिएक्शन टाइम 0.30 सेकेंड विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आर जी एंड एच रेस्पेक्टिवली, राइट. तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि ए विच इज सेट टू बी ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर कार ए फॉर ड्राइवर एक्स. यानी कि जब ब्रेक लग गया, जब ड्राइवर एक्स ने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने के बाद कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ. वेल, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि जब उन्होंने इस पे सोचा इन ऑर्डर टू रिएक्ट, रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग यानी कि 0.20 सेकंड्स के ड्यूरिंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ एंड प्लस में ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ. सो दिस इट. पहले हमें बताने ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेक लग गया, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ. यू इज गिवन बाय 54 किलोमीटर पर आवर. ये 54 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा. 15 मीटर पर सेकेंड, राइट. चलो एस जो होगा, एस अब ये क्वेश्चन सारे के लिए वैलिड होगी, सारे कार सारे केसेस. वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए होता है. दिस इज माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए. यहाँ पे कोई ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वी स्क्वेयर गोज टू जीरो, क्योंकि द फाइनली द कार कम्स एट रेस्ट. तो जो एस होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो एस हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दिस इज माइनस यू स्क्वेयर ओवर ट्वाइस ऑफ ए. यह हमें एक इक्वेशन मिलता है. दिस इज नॉट आंसर. यह हमें एक इक्वेशन मिलता है. अब अगर हम लोग चाहें सारे केसेस में इसी इक्वेशन के थ्रू स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक सिर्फ पर्टिकुलर केस के लिए नहीं देखा था, इसको हम लोगों ने एज ए इक्वेशन हैंडल किया है. सो ये सारे केसेस में यही इक्वेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस दे सकते हैं. चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. स्टॉपिंग डिस्टेंस एस स्टॉपिंग इज गिवन बाय ए इक्वल्स माइनस यू स्क्वेयर ओवर टू ए माइनस 15 स्क्वेयर 225 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होल स्क्वेयर, राइट. मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर बाय में 2 इंटू माइनस ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, इसको हमें एक्सेलरेशन बताना है. सो माइनस 12.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 225 डिवाइडेड बाय में 12. दिस इज समवॉट 19.0 मीन्स 19 मीटर समवॉट. ये कुछ 19 मीटर. तो यहाँ से हमें ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज 19 मीटर. यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं 19 मीटर्स. ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर दिस थिंग, राइट. अब हमें बताने टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द सेम सिचुएशन सेम केस. तो इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ और उसको मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि रिएक्शन टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ ऐड कर दूंगा एंड फिर मुझे टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलेगा. चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम. यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट है क्योंकि अभी तक ब्रेक नहीं लगा, अभी तक तो ड्राइवर सोच रहा है कि ब्रेक लगाने की नहीं लगाने. तो
स्पीड इज कॉन्स्टेंट, तो बस स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, क्या है 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकेंड है। टाइम्स कितना रिएक्शन टाइम कितने सेकेंड के लिए सोचा 0.20 सेकेंड्स, ये हो गया 3 मीटर। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने निकाला डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, मुझे टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस बताने बी, यानी कि रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग कितना ट्रैवल हुआ प्लस में उसके बाद कितना ट्रैवल हुआ, तो उसके बाद तो ट्रैवल हुआ 19 मीटर ड्यूरिंग 3 मीटर, तो टोटल जो ट्रैवल होगा दिस इज 22 मीटर। सो हियर वी कैन बी फिलिंग इट टू बी 22 मीटर इज द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलो ए एंड बी हमारा सॉल्व हो गया, ए एंड जो बी होता है ये हमारा सॉल्व हो गया। आ जाते हैं सी पे, 72 किलोमीटर पर आर, तो 72 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड इधर हो गया, दिस गोज बाई 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, यू इज 20 मीटर पर सेकेंड। पहले तो हमें बताना है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस विच मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टॉपिंग डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन हो जाता है दैट इज -200 राइट, यहाँ पे एक्चुअल में 400, 20 स्क्वेयर 400, दिस इज माइनस साइन 1 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर, दिस यू कैन बी डूइंग राइट हियर रफली, बाई में -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, ये कुछ में अप्रॉक्स में यू कैन बी कैलकुलेटिंग, जस्ट लाइक यू कैन बी डिवाइडिंग 412 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 33 राइट, 33 ही होगा, लेट अस ट्राई वन टाइम। जैसे 2 से मैंने इसको कर दिया डिवाइड, सो दिस इज 200/6, दिस इज 100, हाँ 33.33 ऐसे ही होगा, तो इसको 33 मीटर ही नियरली बोल दो, तो इस केस में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस लगेगा वो 33 मीटर का होगा, 33 मीटर। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस प्लस में उसके बाद का डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम में, अब रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, अब तो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, व्हाट इज रिएक्शन टाइम 0.30 सेकेंड्स, यहाँ पे 6 मीटर ट्रैवल हुआ, फाइनल आंसर है, नहीं फाइनल आंसर नहीं है, हमें टोटल बताना है, तो जो टोटल अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा जिसको हम लोगों ने डी बोला है, दिस इज रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड 6 मीटर प्लस उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड 33 मीटर, ये हो गया 39 मीटर, ये है हमारा नेक्स्ट आंसर 39 मीटर। तो ऐसे ही करके हम लोग ये सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकते हैं। लिसन, अब सारे में फॉर्मूलाज सेम लगेंगे, सारे में फॉर्मूलाज सेम रहेंगे लेकिन बस वैल्यूज चेंज होगी, जैसे यहाँ पे भी स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस वही, मतलब जो भी ब्रेकिंग डिस्टेंस, सारे में वही सेम हमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं, बस वैल्यूज चेंज करके। अब आई जस्ट लीव इट राइट हियर, यहाँ पे टोटल आई थिंक 8 क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने 4 सॉल्व कर लिए वेरी इजीली, तो यहाँ पे आई थिंक दैट वुड बी बेटर लीविंग राइट हियर, सो आई होप यू कैन जस्ट डू नेक्स्ट। यहाँ पे वही स्पीड है, रिएक्शन टाइम वही है, बस यहाँ पे आपको डिसेलरेशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे भी डिसेलरेशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यूज चेंज करनी है, एंड रिएक्शन टाइम इज दिस, सो यू कैन बी यूजिंग ऑल ऑफ द सेम फॉर्मूलाज एंड द प्रॉब्लम हेंस इज जस्ट सॉल्व्ड। दैट वाज जस्ट रियली फन टू डू, होप यू ऑलवेज लाइक एंड एंजॉय टू दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑलवेज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय भारत।